अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। चलें शुरू करते हैं। शुक्र अल्लाह के नाम से जो मेहरबानी रहने वाला है। अभी तक तो यूट्यूब चैनल का नाम हमने डिसाइड नहीं किया, लेकिन फिर भी चलो चलते हैं। ठीक है, ये एक दरवाज़ा शुरू में, ठीक है, इसके बराबर में दो खिड़कियाँ हैं, और यहाँ पर भी हम दो खिड़कियाँ देना चाहते थे, लेकिन टंकी बीच में आ गई है। और मैं आपको बता दूँ कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ और ये क्यों दिखा रहा हूँ। देखें, जो भाई जिन भाई के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो कोई बेहतरीन सेटअप कमरा रूम वूम नहीं बना सकते, तो वो ये है बस चारों तरफ दीवारें खड़ी करें और ऊपर छत डलवा दें टीन की और टेयर गार्डन लगवा दें। ठीक है, और ख्याल ये रखना है कि बस वेंटिलेशन हो, हवा की क्रॉसिंग अच्छी हो, ठीक है, कमरे में घुटन नहीं हो। ठीक है, ये देखें दो खिड़कियाँ इस तरफ, आगे से दिखाते हैं आपको। आगे देखेंगे माशाल्लाह बड़ी अच्छी खिड़की दी हुई है, बराबर में दो खिड़कियाँ यहाँ दी हुई हैं। अच्छा, आपको बता दूँ ये कमरा कोई 20 साल पुराना बना हुआ है, जब हमारा घर बना था। ठीक है, लेकिन माशाल्लाह इसमें रिजल्ट बहुत बेहतरीन आता है। और हमने सबसे पहले इसमें कॉकटेल वगैरह पाले हुए थे, और बजरी, ये देखें, बजरी तो नहीं पाले, लेकिन कॉकटेल यहाँ पाले हुए थे, बजरी यहाँ पाले हुए थे, लेकिन मटकियों से देख के अंदाजा ला सकते हैं। और जो भाई भी लेना चाहे वो कमेंट में अपना नंबर लिख के मैसेज कर दे, इंशाल्लाह उसको बता देंगे कि मटकियाँ जो लेना चाहता है। अब चलते हैं अंदर की तरफ और अंदर से आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये तो दरवाजे की तरफ आ गई, और साथ में दो खिड़कियाँ दी हुई हैं, और दरवाजे के सामने हमने चार खिड़कियाँ दी हुई हैं। ठीक है, ये आप अंदर से देख सकते हैं, बराबर में दो खिड़कियाँ हैं, ऊपर एक पंखा है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, हवा बेहतरीन आती है माशाल्लाह से। और इसके सामने दो एक खिड़की दी हुई बड़ी सी, ये देखें, ये एक खिड़की इसके सामने बड़ी सी, और इसके बराबर में भी एक खिड़की दी हुई है, और नीचे वो दिया हुआ क्रॉसिंग का, ये देखें। और सामने आपको जैसे बताया था कि दो खिड़कियाँ इस तरफ आ गई, इस पिंजरों के पीछे दो खिड़कियाँ इन पिंजरों के पीछे आ गई, और इनके पीछे हमने पंखे भी दिए हुए, अभी बंद पड़े हैं क्योंकि हवा अच्छी आ रही है। ठीक है, और ये देखें ऊपर टीन की चादर डली हुई है सिंपल, और टेयर गार्डन लगे हुए हैं, लेकिन माशाल्लाह जल्द आपको दिखाएंगे। और ये कमरे की लंबाई आपको, ये कमरे की लंबाई अपना चौड़ाई जो है इसकी 11 है, और लंबाई इसकी 16 है। ठीक है, आप जो न्यू फैंसियर हैं उनके लिए ये है कि भाई शुरू करें अपना सेटअप, ज़रा सी जगह लें और बनाएं अपना फार्म और शुरू कर दें। जैसे आज मैं उठा हूँ, सुबह उठ गया और मैंने शुरू कर दिया चैनल बनाना, कुछ आवाज़ से भी आपको अंदाज़ा हो सकता है। ठीक है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, आप हमारी हौसला अफजाई करें, इंशाल्लाह हम आपकी और आपको अपने केजेस दिखाएंगे कि हमने कोई इतने अच्छे केजेस नहीं लगाए हुए, लेकिन माशाल्लाह अच्छा आ रहा है। तो जो न्यू फैंसर है उनकी भी सपोर्ट है, और आपको भी सीखने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, जज़ाकअल्लाह।